नमस्कार मित्रों, मध्य प्रदेश पर्यटन की एक पंचलाइन है, एमपी अजब है सबसे गजब है। लेकिन मध्य प्रदेश वास्तव में सबसे गजब है ही, सबसे अजब है ही। मध्य प्रदेश की सरकार जिन आधार पर चल रही है वो केवल लिक्विड पर है। शराब की दुकानों का अगर राजस्व ना आए, अगर पेट्रोल और डीजल का राजस्व ना आए, तो समझो मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे खराब। मध्य प्रदेश में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। मध्य प्रदेश में शराब पर आसपास के राज्यों की तुलना में सर्वाधिक टैक्स। अब मध्य प्रदेश की सरकार गोशाला के लिए भी अलग से टैक्स ले रही है ताकि गौ माता को पाल सके। अब तक मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ा गया है, पिछले 6 महीने में 11,500 करोड़ का कर्ज ले लिया। सरकार बनने के बाद ही 7 दिन के भीतर सरकार ने कर्जा लेना शुरू कर दिया था, जो अभी भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल कर्जे पे ही चल रही है, कर्जे के बिना चल ही नहीं रही है। और ये कर्ज नीति की सियासी जो है तकरार की वजह भी बन रही है। लेकिन क्या करें, सरकार चलानी है, विधानसभा चुनाव कराने हैं, चुनाव के पहले कर्मचारियों को लॉलीपॉप भी देनी है, दिवाली पे कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस भी देना है, और डीए का 25% 7वें वेतन आयोग के डीए का भी देना। मध्य प्रदेश की सरकार ने इतना कर्ज लिया है, जब से दिग्विजय सिंह गए हैं तब से मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में डूबी हुई है। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने तो अब तक 1 महीना भी ऐसा नहीं गया जिसमें कि सरकार ने कर्ज नहीं लिया हो, कहीं से बाजार से कर्ज नहीं लिया हो, या बैंक से कर्ज नहीं लिया हो, केंद्र से कर्ज नहीं लिया हो। मतलब ये बात हर मध्य प्रदेश के व्यक्ति पर इतना ज्यादा कर्जे की कहानी जा सकता। 30 मार्च को सरकार ने 1500 करोड़ का कर्ज लिया था, फिर 7 अप्रैल को 500 करोड़ का कर्ज फिर ले लिया, फिर 2 जून को 500 करोड़ का कर्ज ले लिया, 7 जुलाई को फिर 2000 करोड़ का कर्ज ले लिया, 4 अगस्त को फिर 2000 करोड़ का कर्ज लिया, 10 सितंबर को 1000 करोड़ का कर्ज फिर ले लिया मध्य प्रदेश की सरकार ने, अक्टूबर महीने में 7 तारीख को फिर 1000 का कर्ज लिया, और 6 दिन बाद 13 तारीख को फिर 1000 करोड़ ले लिया, 21 अक्टूबर को फिर 1000 करोड़ कर्ज ले लिया, यानी 1 महीने में 3000 करोड़ कर्ज बार बार लिया। इसके बाद 4 नवंबर को फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया। जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्ज ले रही है, उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश में अभी तक के सारे रिकॉर्ड, कर्जे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन सरकार है कि घोषणाएं तो करनी ही होती है। कर्ज लेने की रफ्तार से मध्य प्रदेश के खजाने पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। हजारों करोड़ रुपए सरकार को ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर कुल कर्ज 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। सोचिए, 7 करोड़ की आबादी है और 2,00,000 करोड़ का कर्ज, यानी प्रति व्यक्ति कितना कर्ज हो गया है। अगर इस कुल कर्ज में देखें तो ये 2,00,000 करोड़ से भी ऊपर 6,000 करोड़ और हो गया है। यानी माने 2018 के अंत में ये कर्ज था 1,80,000 करोड़, तो तब से अब तक 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज और बढ़ गया। कमलनाथ सरकार के 15 महीने और शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल के 8 महीने में सीधा ये कर्ज बढ़ गया 26,000 करोड़ रुपए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। प्रदेश में इतना बड़ा कर्ज है कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था ही चौपट, हर नागरिक पर इसका बोझ पड़ रहा है। आदमी टैक्स देता है और वो ब्याज में चला जाता है। कारण ये बताया जाता है कि केंद्र से मिलने वाला जीएसटी का पैसा उसे मिल नहीं रहा है। जो बच्चा पैदा होता है वो 34,000 रुपए के कर्ज में पैदा होता है, मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा। आप अंदाज लगा लीजिए कि हालत कितनी खराब है। हर साल लगभग 16,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को ब्याज के रूप में ही देने पड़ते हैं, यानी 7 करोड़ आबादी 16,500 करोड़ कर्ज के रूप में। 2017 में मध्य प्रदेश में सरकार पर कर्ज था, सालाना ब्याज चुकाती थी 12,700 करोड़, हर साल चुकाती थी, जो बढ़ गया है। 2018 में 14,400 करोड़ रुपए हर साल ब्याज देना पड़ता था। अब 2020 में अगर कर्जे की हालत माने तो 16,500 करोड़ रुपए हर महीने सरकार को
ब्याज के रूप में ही देना है, और यह मूलधन कब चुकेगा इसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में बच्चे कुपोषित हैं, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों को वक्त पे तनख्वाह मिलना और सुविधाएं मिलना मुश्किल है, मध्य प्रदेश का शिक्षा पर बजट न्यूनतम है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य पर बजट न्यूनतम है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार रोज नए नए दावे कर रही है, नए नए वादे कर रही है। इसीलिए कहा गया है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है।